प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 6 के अध्याय भोजन सभी के लिए है से करेंगे और इसके दूसरे भाग को देखेंगे और इससे जुड़े कुछ रोचक सवाल भी पढ़ेंगे। फिर ठीक उसके बाद हम कक्षा 7 के अध्याय पौधों का पोषण के दूसरे भाग से शुरू करेंगे, जिसमें हम पौधों का पोषण के बारे में पढ़ेंगे और इससे जुड़े कुछ बेहद रोचक सवाल भी पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 8 के कोशिका भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इससे जुड़े कुछ सवालों को भी जरूर पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद हम कक्षा 9 के अध्याय गति के भाग 2 को पढ़ेंगे और इससे जुड़े कुछ रोचक सवालों को भी हम लोग हल करेंगे। फिर उसके बाद हम कक्षा 11 के अध्याय मात्रक और मापान के भाग 2 को पढ़ेंगे और इससे जुड़े कुछ बेहद रोचक सवालों को भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम डीजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन सभी के लिए। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम इसका दूसरा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे जंतु के बारे में, जहां हम जानेंगे कि जंतु आखिर क्या खाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि पौधों के कितने भाग होते हैं और हम किस पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। पर चलिए एक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं। इस प्रश्न को हमने आखिरी जो वीडियो थी उसमें भी देखा था और हमने जाना था कि सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, परंतु कैसे। चलिए उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी किसी शेर को घास खाते हुए देखा है? अब शेर गली में तो घूमते नहीं, तो हमने नहीं ही देखा होगा, परंतु हम जानते हैं कि शेर घास नहीं खाते। तो घास आखिर कौन खाता है? घास को तो गाय खाती है, शेर थोड़ी खाता है। तो अब हमें ये पता चला कि जो शेर है वो घास नहीं खाता, परंतु शेर मांस को खाता है और गाय मांस नहीं खाती, वो घास खाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जंतु हैं वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो इससे जंतु अलग अलग तरीके के भाग में बांटे जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव वो जीव होते हैं जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, उदाहरण के लिए गाय और खरगोश। इसके बाद बात आती है मांसाहारी जीव की। मांसाहारी जीव वो जंतु होते हैं जो सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये पौधों को नहीं खा सकते, उदाहरण के लिए शेर और बाघ। अब कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो पौधों को भी खा सकते हैं और जीवों को भी खा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसे किसी जीव के बारे में? जरा सोचिए। ऐसे जो जीव होते हैं जो मांस को भी खाएं और पौधों को भी खाएं, इन्हें कहा जाता है सर्वाहारी जीव। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हम खुद यानी कि मनुष्य, क्योंकि हम पौधों को भी खा सकते हैं और मांस मछली को भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर उदाहरण ले तो हम कह सकते हैं कौवा भी एक सर्वाहारी जीव है। उसके अलावा अगर हम कुत्तों की बात करें तो वो भी सर्वाहारी जीव में ही आते हैं। चौथी तरह के जो जीव होते हैं उनको कहा जाता है कीट भक्षी जीव। ये कुछ जीव ऐसे जीव होते हैं जो केवल कीड़े मकोड़ों को खाते हैं
और इन्हें कहा जाता है कीट भक्षी। इनके उदाहरण है मेंढक और छिपकली। ये क्या करते हैं, ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ये सिर्फ उन्हें खाया करते हैं। तो ये हमने जाना कि आखिर जो जीव होते हैं वो कितने तरीकों के भोजन को खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पौधों के बारे में। तो आखिर हम पौधों की बात क्यों कर रहे हैं ये जान लेते हैं। दरअसल जो मांस और अंडे होते हैं ये हम उतना ज्यादा नहीं खाते। अगर आप भी देखेंगे तो घर में मांस और अंडे उतने ज्यादा नहीं बनाए जाते जितना पौधे बनाए जाते हैं। घर में हमेशा सब्जियां बनती हैं, साग बनते हैं और बाकी सारी चीजें बनती हैं। क्यों? क्योंकि जो पौधे हैं उनकी संख्या ज्यादा है अगर हम बात करें मांस मछली से। तो अब पौधों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न ये है कि पौधों के कौन कौन से भाग खाए जा सकते हैं। अब ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पौधों में होते कौन कौन से भाग हैं। तो पौधों में एक तो पत्तियां होती हैं, दूसरा पौधों का तना होता है, पौधों में फूल भी होता है और कलियां होती हैं और जड़ें होती हैं। और अगर हम किसी और पौधे की बात करें जो थोड़ा बड़ा हो तो वहां पर पौधों में फल भी होते हैं। तो ये तो हैं पौधों के भाग। चलिए जानते हैं आखिर हम कौन से पौधे का कौन सा भाग खा सकते हैं। हम आमतौर पर किसी पौधों के सभी भागों को नहीं खाते। हम किसी के पत्ते खाते हैं तो किसी का तना, किसी पौधे का फल खाते हैं तो किसी पौधे की जड़ को खाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर हम कौन से पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। पालक की बात करें तो हम पालक के पत्तियों को खाते हैं। वहीं अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने की पत्तियां खाने लायक नहीं होती, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। गन्ने का हम तना खाते हैं क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चने, गेहूं और मक्के की तो हम इनके बीज को खाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गाजर और अदरक जैसे जो पौधे हैं उनकी तो इनके हम जड़ों को खाते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके हम दो या दो से अधिक भागों को खा सकते हैं। क्या आप ऐसे किसी पौधे के बारे में सोच सकते हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सरसों की बात करें तो सरसों के हम बीजों का तेल बनाते हैं जिसे हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम सरसों की पत्तियों की बात करें तो इसका साग भी बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना कि आखिर जंतु क्या खाते हैं और हमने जाना कि भोजन के रूप में पौधों के भाग। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है पौधों में पोषण। हम इसका पहला भाग कर चुके हैं, आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे जो कि इस अध्याय का आखिरी भाग है। चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे स्वपोषण तथा विषम पोषण के बारे में, और हम जानेंगे विषम पोषण में पोषणों के प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वपोषण को जानते हुए। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी तथा प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। क्या आप इसका उदाहरण सोच सकते हैं? जैसा कि हम तब से पढ़ते आ रहे हैं, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो पौधे स्वपोषी होते हैं और इनकी खुद से खाना बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। तो चलिए जानते हैं विषम पोषण को। विषम पोषण स्वपोषण का दरअसल उल्टा होता है। इसमें क्या है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें कहा जाता है विषम पोषी, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है विषम पोषण। यहाँ पर इसका उदाहरण है खुद हम, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम पौधों पर निर्भर करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम अपना खाना सिर्फ पकाते हैं, बनाते तो पौधे ही हैं। इसके अलावा जितने भी जानवर हैं वो सभी विषम पोषी के उदाहरण हैं। हम ये कह सकते हैं कि पौधों को छोड़कर जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सभी विषम पोषी होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता। तो पौधों की बात करें तो क्या सभी पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं? क्या कोई सा ऐसा पौधा नहीं है जो दूसरे पौधों पर निर्भर करे? दरअसल ऐसे पौधे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अमरबेल के पौधे की बात करें तो ये अपना भोजन उस पेड़ से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये कुछ उन पौधों में से है जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। तो चलिए अब बात करते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। सबसे पहला प्रकार है परजीवी पोषण। इसमें वो सभी जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए जीवित प्राणियों के शरीर पर निर्भर करते हैं, यानी कि यह अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, रेफ्लेसिया और मिसेल्टो इनके उदाहरण हैं। दरअसल हम पौधों की बात कर रहे हैं और ये अध्याय पौधों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने सभी उदाहरण पौधों के रखे हैं। परंतु इस बात को समझने के लिए आइए एक अलग से उदाहरण लेते हैं। इसे हम आमतौर पर जूं के नाम से जानते हैं। ये हमारे पालतू पशु जो होते हैं उनके शरीर पे होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारे पशु हैं उनके शरीर से खून को पीता है और उस पे जीवित रहता है। तो ये एक उदाहरण है परजीवी पोषण का, क्योंकि ये अपने जीवन यापन के लिए हमारे जो पशु हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, और क्योंकि हमारे पशु जीवित हैं तो इसलिए ये परजीवी पोषण का उदाहरण बन जाएगा। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं, वो है मृत जीवी पोषण। इसके अंदर वो जीव आते हैं जो अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण है फफूंद, कुकरमुत्ता या फिर मशरूम। चलिए इसका भी एक उदाहरण लेते हैं जो कि कोई जीव हो, जैसे कि गिद्ध। हम जानते हैं कि गिद्ध क्या करता है, वो मरे हुए जीवों को खाता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मृत जीवी पोषण भी वही है, जहां जो पौधे होते हैं वो मृत या विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फफूंद की, कि आखिर फफूंद क्या होता है। दरअसल यह बरसात के दिनों में अचार, चमड़े के कपड़े, अनाज आदि में उग जाता है, और उससे जो अनाज होता है वो खराब हो जाता है। इसे बचाने का तरीका है कि क्योंकि ये नमी की वजह से आता है, हमें जो अनाज या फिर कपड़े या फिर जिन भी चीज़ों पर फफूंद लग सकता है उन्हें सूखी जगह पर रखना चाहिए। अगला है कीट भक्षी पौधे। यह कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये पौधे कीटों को तो खाते ही हैं, परंतु ये साथ में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी अपना भोजन बना सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, जब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं तो बेचारे कीटों को क्यों खा रहे हैं?
दरअसल ये पौधे उन एरियाज में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन कम होता है। अब पौधों को नाइट्रोजन तो चाहिए, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये कीटों को खाते हैं ताकि उन्हें जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन मिल सके। क्योंकि कीटों के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो पौधों की जो नाइट्रोजन की पूर्ति चाहिए वो ये पूरी कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं सहजीवी पोषण के बारे में। यह इन सभी में से सबसे मजेदार तरीके का पोषण है। इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव आपस में अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे जो संबंध होते हैं इन्हें कहा जाता है सहजीवी पोषण, और ऐसे जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं सहजीव। इसका उदाहरण है लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि शैवाल तो अपना खाना खुद बना सकता है, परंतु कवक अपना खाना खुद नहीं बना सकता। परंतु जब दोनों साथ में रहते हैं तो दोनों के खाने की पूर्ति हो जाती है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि इनमें से एक अपना खाना खुद बना भी नहीं सकता, यानी कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, परंतु फिर भी जो लाइकेन होता है वो पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे हरा पौधा होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने जाना स्वपोषण तथा विषम पोषण के बारे में, और उसके बाद हमने जाना विषम पोषण में पोषणों के प्रकार के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल पर चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि आप अपने घर से सुबह चलते हैं अपने स्कूल के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूर है।
लेकिन आप स्कूल उस रास्ते से नहीं जा सकते और आपको घूम कर जाना पड़ता है जो कि 7 किलोमीटर का पड़ता है। तो इसमें आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी और घर से स्कूल तक का विस्थापन क्या होगा? इसका उत्तर है कि घर से स्कूल तक की दूरी होगी 7 किलोमीटर और विस्थापन होगा 4 किलोमीटर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिट यानी कि मात्रा क्या होता है। इसके बाद हम ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि यानी जिसे हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिट किसी भी मात्रा का मानक माप होता है। जैसे कि वेट को मापने के लिए हम आमतौर पर किलोग्राम यूनिट का प्रयोग करते हैं। टाइम को मापने के लिए हम घंटे, मिनट्स, सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं और लंबाई मापने के लिए हम मीटर, किलोमीटर आदि का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, हमें पता है कि इंडिया में केजी का इस्तेमाल किया जाता है भार को मापने के लिए, पर क्या हर जगह केजी का इस्तेमाल होता है? नहीं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में हम केजी का प्रयोग नहीं करते हैं भार मापने के लिए, वहां हम पाउंड्स का प्रयोग करते हैं और पाउंड्स भी एक प्रकार का मात्रक है यानी कि यूनिट है। तो अब यहाँ से सवाल आता है कि केजी का प्रयोग किया जाए या पाउंड्स का प्रयोग किया जाए। तो हमें आवश्यकता पड़ती है एसआई यूनिट की यानी कि मानक मात्रक की, एक ऐसा यूनिट जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो। एसआई यूनिट सिस्टम माप के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सिस्टम है। इसमें 7 बेस यूनिट्स आती हैं, जो कि इस प्रकार है: मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, किलोग्राम एंड कैंडेला। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। इनको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए ये एक बच्चा है जो कि तालाब के किनारे है और इसने एक पत्थर उठाया और तालाब में कुछ इस प्रकार फेंका। पत्थर ने ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी को तय किया और अगर आप सबसे छोटी दूरी देखें तो ये होगा बिंदु ए से बी तक की ये वाली दूरी। अगर हम पत्थर के रास्ते का विश्लेषण करें तो पत्थर किसी विशिष्ट दिशा में नहीं गया, वो इस प्रकार गया। तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी, और ये एक अदिश राशि है क्योंकि अदिश राशि में सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होती है। परिमाण इस केस में ये है कि ये पत्थर कितनी तेजी से गया। अब दोस्तों, ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में सबसे कम दूरी होगी विस्थापन, जो कि एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। इसी प्रकार से दोस्तों, गति यानी कि स्पीड, भार यानी कि मास इत्यादि अदिश राशि है क्योंकि इनका सिर्फ परिमाण होता है। जैसे कि ये कार कितनी तेजी से जा रही है या पत्थर का भार कितना है। इसी प्रकार वेग, बल, त्वरण इत्यादि सदिश राशि है क्योंकि इनके परिमाण के साथ साथ इनकी दिशा भी होती है। जैसे कि गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में जा रही है, तो ये हो जाएगा सदिश राशि। आशा करती हूँ कि आपको पढ़ाई गई सारी बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे और ये वाला जो भाग है वो इससे पहले वाले भाग से थोड़ा सा कठिन है। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल इस भाग में हम काफी सारे चीजों को देखने वाले हैं और इनका इस्तेमाल हम आगे की वीडियो में करेंगे, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है सदिश व अदिश राशि। उसके बाद हम जानेंगे एसआई मात्रक के बारे में, फिर हम जानेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में, और अंत में हम जानेंगे गति एवं वेग के बारे में, जहां हम गति और वेग में अंतर क्या होता है उसे भी समझेंगे।
अब इन सब को छोड़िए, शुरुआत करते हैं सरल रेखीय गति से, क्योंकि आखिरी वीडियो में हमने वीडियो यहीं पर खत्म किया था, तो जाहिर सी बात है इसे समझना जरूरी हो जाता है। अब आखिरी वीडियो में हमने बात यहाँ पर रोक दी थी, जहां हमने एक सरल रेखा बनाई थी। अब इसे मान लीजिए कि एक सीधी सड़क है, और जो हमारा जीरो था उसे हमने मूल बिंदु का नाम दिया था। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हम किसी वस्तु के स्थान को कैसे दर्शा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर 3 मीटर पर रखी हुई है, तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति +3 मीटर है। परंतु एक मिनट रुकिए, हमने तो ये जाना था कि वस्तु की स्थिति के लिए दो चीजें बतानी जरूरी होती हैं, पहला है दिशा और दूसरा है निर्देशक बिंदु। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या आपको दोनों में से कुछ भी दिखाई दे रहा है? आप जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई दिशा भी नहीं बताई और कोई निर्देश बिंदु भी नहीं दिया हुआ, तो ये वस्तु की स्थिति इस तरीके से नहीं बताई जा सकती। परंतु यहाँ पर दोनों चीजें बताई गई हैं, बस यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहली बात, हम दिशा की बात करें तो यहाँ पर लिखा है वस्तु की स्थिति क्या है, +3 मीटर। प्लस का मतलब क्या है कि जो हमारा मूल बिंदु है उससे दाईं तरफ पे आगे 3 मीटर पे है, तो दिशा का तो पता चल गया कि मूल बिंदु से दाईं तरफ जाना है। परंतु निर्देशक बिंदु क्या है? निर्देशक बिंदु खुद मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु है वही निर्देशक बिंदु का काम करता है, और सारी की सारी जो दूरी होती है हम वो मूल बिंदु से ही नापते हैं। तो मूल बिंदु से 3 मीटर दूर कोई दाईं तरफ पे एक चीज रखी हुई है, और उसे हम दर्शा सकते हैं कुछ इस तरीके से कि वस्तु +3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मान लीजिए जो वस्तु है वो रखी हुई है 5 मीटर पे, तो हम क्या कहेंगे, वस्तु की स्थिति क्या है, +5 मीटर। यहाँ पर जो +5 है वो ये दर्शा रहा है कि वस्तु जो है वो मूल बिंदु से दाईं तरफ 5 मीटर आगे रखी हुई है, और हमारा निर्देशक बिंदु फिर से हमारा मूल बिंदु होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि सरल रेखीय गति में हम किसी वस्तु की स्थिति को कैसे दर्शाते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, ये जानते हुए कि सदिश व अदिश राशि क्या होती हैं। अब राशि को जानना है तो हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ये कुछ राशियां हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा वस्तु की स्थिति, बल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तापमान और द्रव्यमान को तो आप जानते ही होंगे। अब वस्तु की स्थिति के लिए हमने एक बात जानी कि इसमें दिशा बतानी जरूरी होती है। अगर हम बल की बात करें तो उसमें भी दिशा बतानी जरूरी होती है। अब ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे, चलिए उदाहरण लेते हैं कि आखिर बल में दिशा जरूरी क्यों है। अब मान लीजिए एक दरवाजा है, और आप क्या कर रहे हैं, दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, दरवाजे पे धक्का लगाया। सब वही करेंगे, आपने धक्का लगाया दरवाजा नहीं खुला, तो आपने क्या किया, आपने और तेज धक्का लगाया, दरवाजा फिर भी नहीं खुल रहा, आपने पूरी ताकत लगा दी और दरवाजा अभी भी नहीं खुला। आपने अपने फ्रेंड को बुलाया और आपने उससे कहा कि यार दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। आपके दोस्त ने क्या किया, उसने दरवाजे को पीछे की तरफ खींचा और दरवाजा खुल गया। इससे आपको पता चला दरवाजा पीछे की तरफ खुलता है, परंतु ये नहीं जानना था। यहाँ पे हमें पता क्या चला कि जब फोर्स आगे की तरफ लगाया गया तो ज्यादा फोर्स लगाने पे भी दरवाजा नहीं खुला, वही फोर्स की जो दिशा थी वो बदल दी गई। आगे की जगह जब पीछे की तरफ फोर्स लगाया गया, यानी कि बल लगाया गया, तो दरवाजा खुल गया। इससे हमें पता चलता है कि बल में दिशा जरूरी होती है। हमने आगे की तरफ बल लगाया या पीछे की तरफ बल लगाया, ये बात मायने रखती है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये एक आदमी है जो किसी छत से लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है वो नहीं पता, वो जानते भी नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। अभी हम ये देखते हैं कि आपने इसे देखा तो आप क्या करेंगे, आप या तो इसे ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, उससे क्या होगा कि ये बंदा बच जाएगा, परंतु ये भी हो सकता है कि आप गलती से इसे नीचे की तरफ धक्का दे दें, उसमें क्या होगा, ये गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप बल किस तरफ लगा रहे हैं, आप उसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं या नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो बल में दिशा जरूरी हो जाती है। यहीं पे अगर हम तापमान की बात करें तो क्या आपने किसी को सुना है बोलते हुए कि आज ऊपर की तरफ तापमान ज्यादा है या नीचे की तरफ तापमान कम है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि तापमान के साथ दिशा को नहीं जोड़ा जा सकता। उसी तरीके से अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि किसी चीज का ऊपर की तरफ द्रव्यमान ज्यादा हो, नीचे की तरफ कम हो, दाईं तरफ ज्यादा हो, बाईं तरफ कम हो, तो द्रव्यमान में भी दिशा का कोई मतलब नहीं होता।
तो ये कहानी क्यों सुन रहे हैं? दरअसल कुछ चीजें होती हैं जिसमें दिशा बतानी महत्वपूर्ण होती है और कुछ चीजों में दिशा नहीं जोड़ी जा सकती। यही होती हैं सदिश व अदिश राशियां। चलिए एक बार दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। सदिश मात्रा वे मात्राएं होती हैं जिनके साथ दिशा जुड़ी हुई होती है, उदाहरण के लिए वस्तु की स्थिति या फिर बल। वहीं पे अगर हम अदिश मात्रा की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दिशा नहीं होगी। ये वे मात्राएं हैं जिनके साथ दिशा को नहीं जोड़ा जा सकता, उदाहरण के लिए तापमान व द्रव्यमान। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब जानते हैं मात्रक क्या होता है। अब मात्रक फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कोई सा भी सवाल सही उत्तर भी निकालते हैं और उसमें मात्रक लगाना भूल जाते हैं तो आपके नंबर नहीं मिलते, नंबर कट जाते हैं। तो मात्रक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं मात्रक की परिभाषा से। तो यह एक संदर्भ मानक है जिसके संदर्भ में किसी भी भौतिक मात्रा को मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए भौतिक मात्रा का एक उदाहरण है आपकी हाइट। मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फुट 5 इंच और आपके दोस्त की भी हाइट है 5 फुट 5 इंच। तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों की हाइट बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका 5 फुट 5 इंच ज्यादा होगा और आपके दोस्त का 5 फुट 5 इंच कम होगा। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ये अजीब सी बात है, ऑब्वियसली बराबर होगा। परंतु पहले क्या होता था, हम चीजों को हाथों से नापा करते थे। उसमें क्या होता था, कुछ लोगों के हाथ बड़े होते थे, कुछ लोगों के छोटे होते थे। तो इस तरीके से नापने की चीजों को अच्छे से नहीं किया जा सकता था और इसीलिए एक संदर्भ मानक बनाया गया जिसे मात्रक कहा जाता है। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत थी। मान लीजिए आपका जो वजन है वो है 125 किलोग्राम। अब इतना ज्यादा तो नहीं होगा पर मान लीजिए इतना है। तो अगर आप किसी को बताएंगे कि आपका वजन 125 किलोग्राम है तो वो समझ जाएगा कि आपका जो वजन है वो काफी ज्यादा है। परंतु मान लीजिए आप उसे बताते हैं कि आपका वेट 125 है तो उसे तो समझ में नहीं आएगा कि 125 क्या है, किलोग्राम है या ग्राम है या फिर किस में बता रहे हो आप वजन। तो 125 का कोई मतलब नहीं जब तक उसके पीछे हम केजी ना लगा दें, ठीक है। तो अगर हम किसी नंबर के पीछे उसका यूनिट नहीं लगाते तब तक उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। परंतु यहाँ भी एक दिक्कत थी। दरअसल हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत बड़ा है और हमारे पास जो यूनिट है वो भी बहुत ज्यादा है। हम वजन को केजी में भी नाप सकते हैं, ग्राम में भी नाप सकते हैं, एलबी में भी नाप सकते हैं, टन में भी नाप सकते हैं और जिनको जो पसंद होता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि आप मान लीजिए इंडिया में रहते हैं और आपको काम करने के लिए जाना पड़ता है अमेरिका और वहां पर लोग क्या कर रहे हैं कि चीजों को केजी में नहीं नापते, ग्राम में नापते। तो दिक्कत क्या होगी, आपका सारा का सारा टाइम उस केजी के यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करने में लग जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए बनाया गया एसआई मात्रक, जहां पर यह बताया गया कि आपको जितनी भी चीजें हैं वो इन चीजों में नापनी है। जैसे कि लंबाई के लिए कहा गया कि आपको सारी की सारी लंबाई मीटर में नापनी है, सारे द्रव्यमान किलोग्राम में नापने हैं और जितनी भी समय की बात होगी वहां पर आप समय को सेकेंड्स में लेंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब हर जगह पर इन्हीं का इस्तेमाल होता है। तो आप किसी और देश में भी जाकर काम करेंगे तो वहां पर आपको कन्वर्ट करने वाले झंझट नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए आप जानते हैं दूरी और विस्थापन को। दरअसल दूरी वास्तविक पथ जो वस्तु द्वारा तय किया गया हो उसे कहा जाता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु सबसे पहले 0 मीटर पे है, थोड़ा सा आगे जाती है, थोड़ा और आगे जाती है और फिर सोचती है कि वापस आ जाना चाहिए और वापस आ जाती है। तो पहले 3 मीटर गई थी, फिर 2 मीटर गई थी और फिर वापस 3 मीटर आ गई। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे हमारे पास 8 मीटर कुल दूरी आ जाएगी, जो कि एक अदिश मात्रा है। अब वहीं पर विस्थापन की अगर हम बात करें तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी क्या है, पहले 0 मीटर थी, अब 2 मीटर पे आ गई है। तो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, इस और इसके बीच की दूरी वो कितनी है, 2 मीटर। तो विस्थापन आ गया 2 मीटर। अब ये एक सदिश मात्रक है, ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। मान लीजिए वो 3 मीटर वापस नहीं आता और वो 3 मीटर दरअसल और आगे चला जाता, तो यहाँ पर हमारा विस्थापन क्या हो जाता, प्रारंभिक और अंतिम में जो सबसे कम दूरी है वो, यहाँ पर सबसे कम दूरी ही 8 मीटर है, तो हमारा विस्थापन कितना हो गया, 8 मीटर। यहाँ पर हमने क्या बदला था, सिर्फ दिशा बदली थी, दिशा बदलने पर हमारा उत्तर भी बदल गया, इसलिए एक सदिश मात्रक है। चलिए आप जानते हैं गति और वेग को। एक तरफ लिखते हैं गति, एक तरफ लिखते हैं वेग।
अब क्योंकि वेग जो है वो एक सदिश मात्रक है, तो इसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एक सदिश मात्रक है। अब अगर हम गति की बात करें तो गति का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे में समय। दूरी मीटर में लेते हैं और समय सेकंड में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम वेग की बात करें तो वेग होता है विस्थापन अपॉन में समय। विस्थापन भी मीटर में लिया जाता है और समय सेकंड में, तो इसकी यूनिट भी गति जैसी ही होती है, मीटर पर सेकंड। अब चलिए जानते हैं गति अदिश मात्रक क्यों है और वेग सदिश मात्रक क्यों है। दरअसल गति में दो चीजें होती हैं, दूरी जो कि एक अदिश मात्रक है और समय वो भी एक अदिश मात्रक है। क्योंकि दोनों ही अदिश हैं इसलिए गति भी एक अदिश मात्रक है। वहीं पर अगर हम वेग की बात करें तो वेग में समय तो अदिश है परंतु जो विस्थापन है वो सदिश है और इसी वजह से हमारा वेग सदिश मात्रक बन जाता है। अब गति और वेग में एक और चीज है जो है औसत गति और औसत वेग। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए जो चार डॉट हैं यहाँ पर चार दूरियां दिखाई गई हैं S1, S2, S3 और S4। इन दूरियों को पूरा करने में अब कुछ समय भी तो लगा होगा। तो मान लेते हैं S1 के लिए हमें T1 समय लगा, S2 के लिए T2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारा औसत गति क्या हो जाएगा, जितनी भी दूरी है उन सबका सम अपॉन में जितना भी टाइम है उन सबका सम, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी होगी, S1 से लेके S4 तक का सम, और कुल समय क्या हो जाएगा, T1 से लेके T4 तक का सम। परंतु औसत वेग थोड़ा सा अलग है। औसत वेग में क्या करते हैं, मान लीजिए चारों में हमारा वेग अलग था। पहले में हमारा था वेग V1, दूसरे में वेग था V2, तीसरे में वेग था V3 और चौथे में वेग था V4। तो यहाँ पर औसत वेग निकालते हैं, जितने भी वेग होते हैं उन सबका सम और जितने भी नंबर ऑफ वेग्स होते हैं उनसे डिवाइड। जैसे कि यहाँ पर चार वेग थे तो चार से डिवाइड किया है, अगर दो वेग होते तो दो से डिवाइड करते। तो यहाँ पर औसत गति और औसत वेग का जो सूत्र है वो अलग है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा और गलती नहीं कीजिएगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना सदिश व अदिश राशि को, उसके बाद हमने जाना SI मात्रक को, फिर हमने जाना दूरी और विस्थापन को, और आखिरी में हमने जाना गति एवं वेग को। अब इन सब के बारे में आपको पढ़ना है NCERT के गति वाले अध्याय में, जहां पर आपको पढ़ना है सरल रेखीय गति और दिशा के साथ चाल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक समान गति और असमान गति के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे मात्रक एवं मापन के परिचय से, उसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रकों की प्रणाली, तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे मूल मात्रकों का मापन। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। भौतिक राशियों का मापन किसी निश्चित मानक से तुलना करना होता है, तथा संदर्भ मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी उम्र कितनी है, तो जवाब कुछ इस तरह से आएगा, 16 वर्ष या 17 वर्ष। अब इसको बताई हुई परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में मानते हैं कि आपकी आयु 16 वर्ष है। अब इसमें वर्ष क्या है? वर्ष वह समय अंतराल है जो पृथ्वी सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर लगाने में लेती है। अर्थात हम अपनी उम्र को पृथ्वी की कक्षा के समय अंतराल से तुलना करके बताते हैं। इसके अनुसार किसी राशि की माप को किसी मानक के आगे एक संख्या के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है, और इस प्रकार ही भिन्न भिन्न राशियों को मापा जाता है। जैसा कि आपको बताया कि मापन के लिए एक निश्चित मानक से तुलना करते हैं, इस वजह से पूरी दुनिया में एक राशि के मापन के भिन्न भिन्न मानक बन गए, और इसलिए मात्रकों की अलग अलग प्रणालियां बन गईं। चलिए देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। यह प्रणाली इस तरह से है, जिसमें है CGS, FPS, MKS तथा SI। इन प्रणालियों के लिए लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक इस प्रकार हैं। भौतिक जगत की दुनिया में पहले CGS, FPS तथा MKS प्रणालियां आई थीं, और फिर पूरे विश्व में एक मुख्य प्रणाली बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद SI प्रणाली आई, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मूल मात्रकों को समझते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो किसी भी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते, वह पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। चलिए हम कुछ भौतिक राशियों के मूल मात्रक देखते हैं। यह राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान तथा वैद्युत करंट, जिनके मूल मात्रक तथा प्रतीक इस प्रकार है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और व्युत्पन्न मात्रक पर नजर डालते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, तथा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। चलिए कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक पर नजर डालते हैं, जो कि है बल, ऊर्जा व शक्ति, जिनके व्युत्पन्न मात्रक तथा प्रतीक इस प्रकार है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और लंबाई के मापन पर नजर डालते हैं। लंबाई का मापन आप पिछली कक्षाओं से ही करते आए हैं, जैसा कि आप अपने पैमाने से दूरी मापते थे, जो कि सेंटीमीटर
या मिलीमीटर में होती थी और छोटी लंबाई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज का प्रयोग करते थे। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पृथ्वी से एक तारे तक की दूरी ज्ञात करनी है? तब यह दूरी आप किसी साधारण पैमाने से ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं लंबन विधि का। इसके अनुसार बहुत दूर स्थित किसी पिंड जिसे बिंदु P से दिखाया गया है की दूरी नापने के लिए उस पिंड को पृथ्वी के दो अलग अलग हिस्सों से देखा जाता है, जो कि है पॉइंट A तथा पॉइंट B, तथा दोनों स्थिति के बीच बने कोण को ज्ञात किया जाता है, जिस कोण को हम कहते हैं लंबन कोण। पिंड की दूरी बहुत अधिक होने की वजह से AB को एक चाप मान सकते हैं तथा हम प्रयोग कर सकते हैं सूत्र चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण, और इसके अनुसार लिखा जा सकता है AB बराबर AP गुणा थीटा, जहां से हमें मिलता है AP बराबर AB बटे थीटा, जहां पर AP उस पिंड तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। इस तरह लंबन विधि का प्रयोग करके बहुत बड़ी दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और द्रव्यमान के मापन का अध्ययन करते हैं। किसी भी पिंड के द्रव्यमान के मापन के लिए आप सामान्यतः साधारण तुला तथा इसी तरह के और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। किसी भी पिंड का द्रव्यमान किसी भी और राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। परंतु जब हम बहुत छोटे पैमाने पर देखते हैं तो अणु परमाणुओं के द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना उचित नहीं दिखता। इसलिए इसे मापने के लिए एकीकृत परमाणु सहित मात्रक का प्रयोग किया जाता है। यह द्रव्यमान की एक मानक इकाई है जिसे परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अनुसार 1U बराबर 1/12 कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान, जहां पर 1U का मतलब है 1 एटॉमिक यूनिट, जो एकीकृत परमाणु सहित मात्रक की यूनिट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और समय के मापन पर नजर डालते हैं। जैसा कि हमने कुछ देर पहले एक उदाहरण में आपकी उम्र के साथ समय को समझा था, इसी प्रकार वर्ष के साथ साथ समय के बहुत से अन्य मात्रक भी होते हैं जिनके सहारे आप घड़ी में समय देखते हैं, तथा यदि अगर घड़ी ना हो तो आप दिन और रात से समय का अंदाजा लगाते हैं। पर यदि हमें समय को बहुत शुद्धता से मापना हो तो उसके लिए हम परमाणवीय मानक का प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार समय एक सीजियम परमाणु में उत्पादित आवधिक कंपन पर आधारित है, मतलब एक सीजियम परमाणु कंपन करने में जितना समय लेता है उस समय की तुलना से इस मानक का निर्माण किया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं और मापन में त्रुटियों के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी मापक यंत्र द्वारा हर माप के परिणाम में कुछ अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता को त्रुटि कहा जाता है। अर्थात मापन एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है
कि मापन में कुछ अनिश्चितता आना सामान्य है और इस अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। इनको कुछ इस तरह से बांटा गया है, जो कि है क्रमबद्ध त्रुटि मतलब सिस्टमैटिक एरर और यादृच्छिक त्रुटि मतलब रैंडम एरर। चलिए हम आगे चलते हैं और क्रमबद्ध त्रुटि से शुरू करते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां वह त्रुटियां होती हैं जो धनात्मक या ऋणात्मक में से किसी एक दिशा में अग्रसर होती हैं। जैसे कि चित्र में यदि आप निशाना लगा रहे हैं और तीर यदि हर बार मध्य बिंदु से कुछ निश्चित दूरी पर जा रहा है तो इसमें त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यादृच्छिक त्रुटि के बारे में पढ़ते हैं। मापन के दौरान अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। चलिए इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में यदि आप फिर से निशाना लगा रहे हैं और इस बार यदि तीर अलग अलग दिशा में जा रहा है तो हर बार कोई निश्चित त्रुटि नहीं होगी और इस तरह की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा भौतिकी का परिचय, उसके बाद हमने जाना प्रकृति में मूल बल तथा भौतिक नियमों की प्रकृति तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा मात्रक और मापन का परिचय। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण तथा सार्थक अंक। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कक्षा 6 में भोजन सभी के लिए, कक्षा 7 में पौधों का पोषण, कक्षा 8 में कोशिका, कक्षा 9 में गति तथा कक्षा 11 में मात्रक और मापान के भाग 2 को देखा और इन सब के कुछ रोचक सवालों को भी हल किया। आइए देखते हैं हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 6 में हमारा समाज विधाता से भरा, कक्षा 7 में लोकतंत्र, कक्षा 8 में भारतीय संविधान, कक्षा 9 में पालमपुर गांव की कहानी, कक्षा 11 में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DG इकोवेशन सर्च करें और इस वीडियो तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।